हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली वेल एंड सेफ एंड ऑल्सो होप दैट यू आर इंक्रीजिंग अवर प्राइड बाई मेकिंग योर स्टडी परफेक्ट. सो आई एम रीता तोमर, योर इंग्लिश टीचर. टूडे माई क्रिएशन इज फ्रॉम योर पोएट्री सेक्शन फ्रॉम योर बुक बीहाइव एंड इट इज़ अ पोएम. टाइटल ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन. सो लेट मी स्टार्ट. देखिए बच्चों, आज की क्रिएशन जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको कि क्या है, एक पोम है और जिसका टाइटल क्या है, द रोड नॉट टेकन है, जो आपका पोएट्री के सेक्शन के अंदर आ जाता है. और आपकी कौन सी बुक में से है? बीहाइव में से, जिसमें से आप प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं. तो आज मैं आपको पोएट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आज की क्रिएशन को शुरू करने से पहले, कि आपको पता चल जाए कि क्या अंतर होता है पोएट्री और प्रोज में. क्यों ये दो, एक बुक के अंदर भी दो दो सेक्शन बनाए गए हैं, एक पोएट्री और एक प्रोज. तो इसे देने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को बहुत ही ज़्यादा लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पोएट्री क्या होता है. देखिए बच्चों, पोएट्री क्या होगा, इसके अंदर जो पोएट्स लिखते हैं, जो वे लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, उसमें एक आपको रिदम दिखाई देगा, एक सुर दिखाई देगा, एक सुकून मिलेगा आपको पढ़ने में भी. कह सकते हैं भाषा का सुंदर रूप है, सुंदरता भाषा की जिसमें होती है वो पोएट्री कहा जाता है. एक ताल मिलाकर चलते हैं पोएट्स, इसके अंदर एक सुर को डाल देते हैं. इनको हम गा भी सकते हैं, पोएट्री में जो लिखा हुआ होता है उसको हम गाकर भी सुना सकते हैं. ये ही पोएट्री होती है, गाने की फॉर्म होती है एक तरह से पोएट्री. और पोएट्री में भी जो पोएम्स होती है बच्चों, उनको हम केवल पोएम्स ही नहीं कहते, उन पोएम्स की भी बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी उनकी भी फॉर्म्स होती है. किसी पोएम को हम कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं. अब देखिए, अगर कोई पोएम, कोई पोएट लिख रहा है 14 लाइनों की, उसको हम सोनेट कहते हैं. कोई पोएम अगर पोएट लिख रहा है किसी एक सॉन्ग की तरह, तो उसको हम लिरिक कहते हैं. कोई पोएम अगर किसी में कोई कहानी एक्सप्लेन की जा रही है, तो हम उसे एक बैलड कहते हैं. अगर कोई पोएम किसी स्पेशल थीम पर लिखी जा रही है, तो हम उसको बोलते हैं ओड. और अगर कोई पोएम किसी पोएम में कोई बोलता जा रहा है, वहाँ पे सुनने वाला तो दिखा रखा है कि हाँ कोई सुनने वाला भी, लेकिन सुनने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, बस जो बोलने वाला है वही एक्सप्लेन करता जा रहा है, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाली हूँ आज की, हमारी जो पोएम है वो, उसकी अब हम बात कर लेते हैं. मुझे लगता है अब आपको पोएट्री का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पोएट्री क्या होता है. गाने का ही रूप होता है पोएट्री में, हम हर चीज़ को गाकर बता सकते हैं. भाषा का सुंदर रूप जिसमें सुर होता है, ताल होते हैं, जिसको हम गा भी सकते हैं, उसको हम पोएट्री बोलते हैं. जैसे कि आप आज की पोएम को ही देख लीजिए, अगर हम इसको देखें तो आप इसके वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, एक रिदम आपको दिखाई देगा. देखिए, हम यहाँ पर बोलेंगे वुड और यहाँ पर क्या आया, स्टूड. तो यानी कि एक ताल मिल रही है गानों की. ठीक है, बोथ ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ देखिए, तो ये एक रिदम रहता है. वर्ड्स आपस में ले लिए हुए होते हैं, एक दूसरे से तालमेल खाए हुए होते हैं, जबकि प्रोज में ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था नहीं होता है. प्रोज में केवल क्या होती है, विचारों की गहनता होती है, कल्पना शक्ति होती है, शुद्ध भाषा होती है, स्वच्छ भाषा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है प्रोज के अंदर. अब हम बात कर लेते हैं आज की क्रिएशन की, जो क्या है, रोड नॉट टेकन पोएम है और जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये है, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी. क्यों देना चाहूँगी ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों अभी आप जब सीखेंगे कि पोएम के अंदर आपको क्या क्या करना होता है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, एक स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको वीडियो में अच्छे से सिखाऊंगी कि दोनों चीज़ें क्या होती है. लेकिन ये समझ लीजिए कि जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, उसमें आपसे उस पोएम के पोएट का नाम भी पूछा जाता है कि इस पोएम को किसने लिखा है, तो आपको वो भी लिखना होता है. तो इसीलिए ये नाम आपको याद रह जाए, आप इस नाम को न भूलें कि किसने लिखा है, कि पोएम जो है द रोड नॉट टेकन बाय किसके, किसने, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपको अच्छे से रट जाए. तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इनका भी आपको जीवन परिचय बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ही इनके बारे में बताऊंगी. सबसे पहले इनके जन्म को ही ले लेंगे. इनका जन्म हुआ था बच्चों 26 मार्च को 1874 में, और कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और अमेरिकन ही ये पोएट थे. और सबसे बड़ी खास बात क्या थी इनकी, ये क्या लिखते थे, रियलिस्टिक लाइफ पर लिखते थे, अर्थात हम कह सकते हैं एक वास्तविकता पर लिखना ये पसंद करते थे, वास्तविक जीवन पर
देखना पसंद करते थे, कल्पनाओं को छोड़कर, फिक्शन को छोड़कर ये रियलिस्टिक की तरफ जाना चाहते थे। और ये जो थे, इसको दिखाने के लिए, रियलिस्टिक लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करते थे, ये यूज करते थे जो रूरल लाइफ होती है, जो ग्रामीण जीवन होता है, उसको वे डाल देते थे अपने उसके अंदर, अपनी क्रिएशंस के अंदर ग्रामीण जीवन का दृश्य ये दिखाते थे। और इसके द्वारा ये क्या दिखाना चाहते थे, क्यों ये वास्तविकता को दिखाना चाहते थे, ताकि ये क्या ये फिलोसफी को और सोशलिटी को आपस में जोड़ सके, समाज को और जो दार्शनिकता है उसको आपस में जोड़ सके, दिखा सके कि क्या अंत है, क्या वो है, क्या प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का, ये लोगों को समझा सके अपनी पोइट के थ्रू। इसलिए क्या करते थे, फिलोसफी को और सोशलिटी को आपस में जोड़ देते थे। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, जो पुलिट्जर प्राइज़ जो था बच्चों पोइट्री में, सबसे पहले इन्हीं को मिला था। और ये अनऑफिशियल पोइट लॉरेट भी रहे थे। पोइट लॉरेट क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तरह से कविराज जिसको कहते हैं, कवियों का जो एक तरह से हेड होता है, वो भी ये बने थे, लेकिन ऑफिशियल नहीं बने थे, बस ये कविराज थे। इनको कोई मतलब सरकार की तरफ से कागज़ वगैरह नहीं दिया गया था उसके लिए, लेकिन फिर भी ये कविराज रहे थे और अपने जीवन के लास्ट टाइम तक जाते जाते बहुत पॉपुलर हो गए थे। ये तो था इनका परिचय। किन का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, आज की जो हमारी पोएम जो रोड नोट टेकन लिखी है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम को। देखिए यहाँ से हमारी पोम शुरू होती है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको पोम को समझने में थोड़ी आसानी रहे। देखिए बच्चों, ये पोएम क्यों लिखी है पोइट ने, ये इसलिए लिखी है कि वो हमें क्या बताना चाहते थे। वैसे तो ये आपको क्या दिखाएंगे कि जंगल में दो सड़कें हैं, एक जंगल में वे गए, वहाँ पर क्या है, दो सड़कें, एक इधर जा रही है और एक सड़क इधर जा रही है। पहले तो ये एक ही थी, ये पहले एक ही सड़क थी, लेकिन जैसे ही वे यहाँ पर देखिए, वे पहले एक सड़क पर से जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे तो ये दो सड़क बन गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। अब पोइट ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्योंकि मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, जिस मंजिल पर मुझे जाना है, जिधर मुझे जाना है, मुझे पता नहीं है कि वो मंजिल किधर पड़ती है, मुझे किधर को जाना चाहिए। अब मैं अगर इस सड़क को लेता हूँ या इस सड़क को लेता हूँ, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा मुझे अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ एक बार नज़र घुमाकर सड़क को, एक सड़क को देख रहा हूँ जहाँ तक वो मुड़ नहीं जाती है, झाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाती है मुड़ते हुए, वहाँ तक मैं उसे देखता हूँ। फिर मैं दूसरी को देखता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि भाई इस सड़क पे कम यात्री गए हैं तो मैं इस रास्ते को ले लेता हूँ, क्योंकि इस पे से ज़्यादा यात्री जा रहे थे तो पूरा जो है बेकार कर दिया है रास्ता, तो मैं एक नए फ्रेश रास्ते से जाऊँगा, ये मैं सोचता हूँ। ये सोचकर मैं उस सड़क पर चल देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि तो दोनों ही सड़क सेम थी, मैंने बिना मतलब ही क्या संदेह किया और मैं उस सड़क पर से भी जा सकता था। लेकिन आगे जाकर जो है मैं ये सोचता हूँ, अगर ये रास्ता गलत हुआ तो फिर क्या होगा, मुझे फिर मैं पता नहीं सही जगह जा पाऊँगा या नहीं। तो फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रास्ते को फिर किसी दिन ले लूँगा, उस रास्ते पे से, यानी कि बाद में चला जाऊँगा, अगर ये रास्ता गलत हुआ तो फिर मैं उस रास्ते पे से चला जाऊँगा। लेकिन फिर उसके मन में संदेह आता है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक जाऊँगा, क्योंकि एक रास्ता दूसरे से जुड़ जाता है। अगर ये सड़क इस तरह से, यहाँ पर ये सड़क जो है दो बनी है, और सपोज करो मैं इसने पोइट ने ये वाला रास्ता ले लिया है, ये रास्ता वो लेकर चल दिया है, तो फिर जाके आगे ये फिर से दो सड़क भी बन सकती है, और या फिर चौराहा भी बन सकता है, पोइट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, आगे जाके ये भी सड़क जो है कई दिशाओं में बट सकती है, इन पे से भी पोइट इधर जा सकता है, ये भी इधर उधर बट सकती है। तो क्या कि उसके मन में संदेह आता है कि रास्ते तो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, रास्ते रास्तों से जुड़ते चले जाते हैं, तो क्या मैं रास्ता भटक तो नहीं जाऊँगा, क्या मुझे ये वाली सड़क दोबारा मिल जाएगी, क्या मैं इसे ढूंढ पाऊँगा, ये उसके मन में संदेह आता है। फिर वो कहता है कि अगर मैंने सही सड़क चुनी होगी, तो अगर मैं उस रास्ते पर सही चल रहा होऊंगा, जाता जा रहा होऊंगा, तो बहुत समय बाद जब मैं कहीं और होऊंगा तो मैं इस बारे में बता रहा होऊंगा किसी को, ये बता रहा होऊंगा कि एक बार मेरे सामने ऐसी परेशानी आई थी कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे और मुझे एक रास्ते को चुनना था, तो मैंने सही रास्ता चुना और आज मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया हूं उस रास्ते को चुनकर। लेकिन अगर मैं गलत रास्ता चुन लेता हूं तो फिर मैं दुख मनाऊंगा कि काश उस दिन मैं सही रास्ते को चुनता, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सारी कहानी इसके अंदर रची गई है, लेकिन दिखाने में ही लगेगा आपको, लेकिन इसका एक डबल मीनिंग है, सेकेंड मीनिंग ये अपने पीछे लिए हुए है। क्या वो हमारे जीवन का मीनिंग,
कि हर इंसान, जैसे कि अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, आप 9th क्लास में आ चुके हैं, 9th क्लास में आके अब आपको समझ आनी चाहिए, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे, ऐसी आपकी परीक्षाएं आएंगी जिसमें आपको सही रास्ते और गलत रास्ते का चुनाव करना होगा। गलत रास्ता आसान लगेगा, अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, उसमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। सही रास्ता कठिन होगा, परेशानियाँ होगी उसमें, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपको एक सही दिशा में ले जाएगा। तो आपको क्या, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, गलत रास्ता चुनना चाहिए या सही रास्ता, परेशानी से भरा रास्ता चुनना चाहिए या आराम से भरा रास्ता, ये आपको तय करना होगा। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते आएंगे बच्चों, आपको समझाने के लिए ये आपके सिलेबस में पोएम डाली गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इतनी शिक्षाप्रद पोएम डाली गई है कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप समझिए जीवन क्या है। जीवन में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि हमें, हमारे सामने दुविधा होती है, मैं ये करूँ वो करूँ, मैं इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ, मैं ये करूँ वो करूँ, मेरे माँ बाप सही कह रहे हैं, मेरे गुरु सही कह रहे हैं, मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, बुरे दोस्त सही कह रहे हैं, अच्छे दोस्त सही कह रहे हैं, कौन सा इंसान सही कह रहा है, कौन मेरे भले का सोच रहा है, कौन से की बात मैं मानूँ, या क्या काम मैं करूँ, अच्छा काम करूँ बुरा काम करूँ, अपने बारे में सोचूँ या दूसरों के बारे में सोचूँ, या सबके बारे में सोचूँ, क्या करूँ मैं, सबका ध्यान रखते हुए सोचूँ, सबके बारे में सोचते हुए सोचूँ, ये सारी आपको अब फैसले लेने होंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं, आपका जीवन क्या है, एक अच्छी एक बड़ी होने की मार्ग पर चल दिया है, आप जीवन सही तरह से जीवन में आप प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक क्या है, अभी तक सारे फैसले सब चीज़ें जो है आपके माँ बाप डांट कर ये समझा कर आपको गलत सही का ज्ञान कराते थे, लेकिन अब हर टाइम उनके साथ आप नहीं रह सकेंगे, कुछ जो है आप बाहर भी निकलेंगे, दूसरों से भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे, तो हर टाइम माँ बाप अब साथ नहीं रहेंगे, बड़े साथ नहीं रहेंगे, उनकी सलाह आपको मिल सकती है लेकिन फैसले आपको ही लेने होंगे, उनकी सलाह को भी ध्यान में रख के, हर चीज़ को ध्यान में रख के अपने सही गलत का फैसला आपको ही लेना होगा। यही इसका हिडन मीनिंग है पोएम का, इसके पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है, सड़क से मतलब हमारे जीवन के रास्ते हैं, हमारे जीवन के फैसले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पोएम को पढ़ाते हुए बताऊँगी। तो उम्मीद करूँगी बहुत ध्यान से आप मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए, टू रोड्स की दो सड़कें डाइवर्ट बट गई, दो सड़कें हो गई, एक सड़क दो में बट गई, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। जंगल पीला कब होता है, जंगल पीला तब होता है बच्चों जब पतझड़ का मौसम आ जाता है। तो पोइट क्या कहना चाह रहा है, एक बात और आप समझिए, यहाँ पर पोइट्री में क्या होगा, पोम जो होंगी, जो पोएम्स होंगी आपकी, उनमें लाइन एक होगी, लाइन एक होगी, लेकिन उस एक लाइन में इतनी बड़ी बात पोएट कहेगा, इतनी लंबी लंबी बात कहेगा जो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो छोटे शब्दों में बड़ी बात कहता है। गागर में सागर भरना ही पोएट्री होती है, कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें बोलना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जब पतझड़ का मौसम आ जाता है तो जंगल कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है, पतझड़ का जंगल। तो पतझड़ के जंगल से एक बार पर्ट जा रहा था और एक सड़क पे से जा रहा था, जो जाकर क्या हो जाती है, दो सड़कों में बट जाती है, उसमें से दो सड़क बन जाती है, तब की ये बात है। पोएट हमें बता रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक पतझड़ से भरे हुए जंगल में एक सड़क दो में बट जाती है, या एक सड़क दो हिस्सों में बट जाती है। एंड सॉरी, और मुझे बहुत दुख है, एंड सॉरी और दुख है, आई कुड नॉट ट्रैवल, आई कुड नॉट, मैं नहीं सका ट्रैवल, यात्रा मैं यात्रा नहीं कर सका, बोथ दोनों ही सड़कों पर, और मुझे दुख है कि मैं दोनों ही सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, आप ही बताइए, क्या दोनों दो रास्ते आपके सामने, क्या आप एक टाइम में दोनों रास्तों पे से चल दोगे, नहीं चल सकते, हम एक टाइम से में एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। एंड बी, और क्या अभी क्या होना, बी मीन्स होना, वन एक ट्रेवलर यात्री, कि एक यात्री होने के कारण क्या हुआ, और एक यात्री होने के कारण मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका, इस बात का मुझे दुख है, और मुझे दुख है कि एक यात्री होने के कारण मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका, क्योंकि मैं एक ही यात्री था, दो तो था नहीं, इसलिए मैं केवल एक ही सड़क पर यात्रा कर सकता था, दो पर यात्रा नहीं कर सकता था, दोनों सड़कों पर यात्रा सेम टाइम पर नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग काफ़ी देर तक, लॉन्ग वैसे लंबा भी होता है बच्चों, लेकिन हमें लाइन में सेंस को समझना है, लॉन्ग यानी कि काफ़ी देर तक, लंबे समय तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा,
मैं वहीं खड़ा रहा, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कौन सी सड़क पे जाऊँ, कौन सी को चुनूँ, वहीं पर खड़ा रहा एंड लुक्ड डाउन। देखिए बच्चों, लुक्ड मीन्स देखना होता है, डाउन का मतलब ऐसे तो नीचे होता है, लेकिन मैंने ये बात पहले भी बताई है अपनी वीडियोज में कि जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाती है तो उसके अर्थ को चेंज कर देती है। तो लुक्ड डाउन का मतलब होता है आगे को देखना, दूर तक देखना। तो मैंने देखा, मैंने आगे को देखा, वन एक सड़क को, मैंने एक सड़क को आगे तक देखा, एज फार उतनी दूर तक, एज जितनी आई कुड, मैं देख सकता था, ठीक है। तो मैंने एक सड़क को इतनी दूर तक देखा, आगे जाकर इतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वियर, जहाँ पर जाकर, जहाँ पर जाकर क्या होता है, इट बेंट, ये मुड़ जाती है। इन द अंडरग्रोथ, किसमें, अंडरग्रोथ के पीछे, झाड़ियों के पीछे। अंडरग्रोथ क्या होता है बच्चों, झाड़ियाँ होती है। तो मैंने क्या किया, जब मैं एक ट्रेवलर था और मैं एक ही सड़क पर चल सकता था, दो पर नहीं चल सकता था, तो मुझे इस बात का दुख तो था, लेकिन थोड़ी देर में खड़ा रहा, मैंने सोचा, और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सड़क को ऑब्जर्व किया, मैंने एक सड़क को देखा और उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। और मैंने कितनी दूर तक देख सकता था, मैं वहाँ तक देख सकता था जब तक कि वो क्या, मुड़ नहीं जाती थी, ऐसे मुड़ नहीं जाती थी, किसके पीछे, झाड़ियों के पीछे। आपने कभी सड़क को देखा होगा, जैसे ऐसे सड़क जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, और यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ सी उसे छिपा देती है, उसके मोड़ को। तो यहाँ पर पोएट वही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, फिर से समझ लीजिए इन चार पांच लाइनों को। पोएट उस पोएट कह रहे हैं कि एक बार मैं पीले पतझड़ वाले जंगल में से जा रहा था, पतझड़ का मौसम था। पतझड़ का मौसम भी आपको पता है कब आता है, जब पत्ते गिरने लगते हैं पेड़ों पे से, सारे जो पेड़ है वे अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, सर्दी के आने पर ऐसा होता है। और क्या होता है कि उसे दुख होता है कि अब ये सड़कें जो है, पतझड़ के जो जंगल में मैं जा रहा था, वहाँ पर जो है दो सड़कें बन गई, एक की, अब मैं क्या करूँ, मेरी मंजिल किधर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किधर मुझे जाना है। और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक ही यात्री था, मैं दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अब समझदारी दिखाई, मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, ध्यान से सोचा, और फिर मैंने एक सड़क को ध्यान से देखा, वहाँ तक देखा जहाँ तक वो मुझे दिख पा रही थी, और मुझे कहाँ तक दिख पा रही थी, वो मुझे वहाँ तक दिख पा रही थी जहाँ तक वो मुड़ते हुए झाड़ियों के पीछे नहीं छिप गई थी। अब इसका हिडन मीनिंग समझिए बच्चों, यहाँ पर जो इन्होंने सड़कों को कहा है, वो किसी का है, सड़कों से मतलब क्या है, हमारे जीवन के फैसले, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ, हमारे जीवन में जो हम फैसले लेते हैं, हमारे जीवन में जो हम एम बनाते हैं कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जो है ये फैसले जो लेने होते हैं उनके लिए हमारे सामने दो विकल्प आते हैं। तो हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, वो सड़क इंडिकेट कर रही है कि आपको क्या बनना है। वो कैसे डिसाइड होगा, अभी से कैसे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी की आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका साइंस के प्रति रुझान, मैथ के प्रति रुझान, इंग्लिश के प्रति रुझान आपके भविष्य को तय करेगा कि आप भविष्य में जाकर क्या बनेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है बच्चों, आपको ये मैसेज देना चाह रहा है। फिर क्या कहता है पॉइंट, ये कहता है कि मैं देर तक खड़ा रहा, कि ऐसे ही आप देर तक जो है सोचते रहेंगे, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, फिर आप देखेंगे भी जैसे सड़क को पॉइंट देख रहा है, एक रास्ते को वहाँ तक, ऐसी जो है आप देखेंगे, दुनियादारी में देखेंगे किस चीज़ की डिमांड है, क्या बनना चाहिए मुझे। फिर क्या कहते हैं, मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा जहाँ तक वो झाड़ियों के पीछे नहीं छिपा। तो झाड़ियों से मतलब दुनियादारी से है कि कुछ फैसले ऐसे भी होंगे हमारे जीवन में जो, जिनका रिजल्ट हमें दुनिया में अभी सामने नहीं आएगा, उन फैसलों का रिजल्ट जो है बाद में आएगा। अंडरग्रोथ झाड़ियाँ, यानी कि अज्ञानता से भरी हुई जो हमारी, जिसका भी तय नहीं है, जो हमारा अज्ञात भविष्य है, जिसका पता नहीं है कि इस फैसले का क्या परिणाम आना है, आगे जाके ये फैसला क्या रंग लाएगा, आगे जाके ये सड़क कहाँ जाएगी। तो ऐसे ही जो है हमारे जीवन के फैसले हैं, हमने जहाँ तक हम उनके बारे में सोच पाते हैं कि फैसला मुझे इस ओर ले जाएगा, ये काम मुझे इस ओर ले जाएगा, हम उसको वहीं तक सोच कर करते हैं जहाँ तक हमारी सोच जाती है, क्योंकि आगे का भविष्य ज्ञात हमें नहीं होता है, जो बाद में ही हमारे सामने आता है परिणाम बनकर, अच्छा या बुरा, कि हमारा फैसला सही था या गलत था। आगे देखें दूसरे स्टेंजा में, देन टुक द अदर, तब क्या करता है कि मैंने दूसरी सड़क को लिया, देखा तो अच्छी तरह से फर्स्ट को, लेकिन लिया मैंने दूसरी सड़क को, जस्ट एज फेयर, क्या जो
बहुत ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी, जो बिल्कुल अच्छी थी, जस्ट एज का मतलब बिल्कुल अच्छी थी। एंड और क्या कह रहे हैं, देखिए जस्ट एज फेयर से मतलब है कि जो बिल्कुल बिल्कुल क्या थी, एज उतनी ही फेयर अच्छी थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी सड़क को चुना, मैंने पहली को नहीं चुना, जिसको मैंने देखा मैंने उसको नहीं चुना, मैंने दूसरी सड़क को चुना। टुक से मतलब चुनना, चुनना किस लिए, जाने के लिए। ऐसे हमने भी अपने जीवन के लिए, हमने भाई हमारे सामने दो ऑप्शन आए कि आप मैथ लेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप मैथ नहीं लेंगे तो आप किसी और फील्ड में चले जाएंगे। तो हमने पहले देखा आसान क्या है, मैथ को छोड़ के मज़ा आ जाएगा, मैथ में बहुत सिरदर्दी है। तो आपने क्या किया, आपने मैथ को छोड़ दिया, आप एक रास्ते पर चल पड़े। लेकिन आगे भविष्य में जाकर जब आप किसी इंजीनियर को देखेंगे, उसे काम करते हुए देखेंगे, आपकी इच्छा हो गया, काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है रोड से आपका वो लिया गया है, रोड को यहाँ पर एज ए सिंबल यूज किया गया है। वैसे पॉइंट जो कहना चाह रहे हैं वो आपके लाइफ के बारे में ही कह रहे हैं कि पहली सड़क जो थी मैंने वो छोड़ दी, मैंने दूसरी सड़क को चुना, मैंने मैथ को छोड़ दिया, मैंने और सब्जेक्ट को चुना जो मुझे उतने ही अच्छे लग रहे थे जितने की पहली सड़क थी। तो जो मुझे सब्जेक्ट उतने ही अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल उतने ही अच्छे लग रहे थे जितने की मैथ है। तो ऐसे ही उतनी ही वो सड़क अच्छी लग रही थी जितनी की पहले वाली सड़क अच्छी थी, उसे मैंने चुना, मैंने सेकेंड सड़क को चुना। आगे देखिए, एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये क्या थी, बेटर क्लेम्स होती है मतलब अच्छे होने का दावा करना, हैविंग मतलब लिए हुए थी दावे को, लिए हुए थी दावे को अच्छे होने का, बेटर होता है अधिक अच्छा, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है ये। तो क्या कह रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि शायद कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वो जो थी, वो जो दूसरी सड़क जो थी, वो उस टाइम जिस टाइम मैंने सड़क चुनी वो ज़्यादा बेटर क्लेम कर रही थी, ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो सड़क उस टाइम जब मैंने उसको चुना, इसीलिए मैंने उसको चुना। बिकेज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, ये क्या थी, इस पर घास थी, घास से भरी हुई थी, इस पर बहुत सारी घास थी। एंड वॉन्टेड वियर होता है बच्चों, जिस पर कम आदमी आए हो या जिस पर कम आवागमन हुआ हो। तो ये क्या थी, ये घास से भरी हुई थी, इस पर घास थी ज़्यादा और इस पर को आवागमन भी कम हुआ था। वॉन्टेड वियर यानी कि कम आवागमन होना, आना जाना कम होना, इस पर को आवागमन भी कम हुआ था, इसलिए मैंने इसको चुना कि इस पर कम लोग गए हैं तो अच्छा रास्ता होगा, तोड़ा फोड़ा नहीं होगा लोगों ने आने जाने में। तो इसलिए ऐसे ही जो यहाँ पर जो है, ये जो दिखाया गया है कि वांटेड वियर कम लोग गए हुए थे, तो यहाँ पर पोइट क्या चाहता है कि वो अलोन रहना चाहता है, ऐसी रास्ते को चुनना चाहता है, ऐसी चॉइस करना चाहता है जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। क्या सोच है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो है क्या सोच लेते हैं कि हमें उस फील्ड को चुनना चाहिए जिसमें भीड़ कम हो, क्योंकि उसमें क्या होगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, जब उसके लिए कैंडिडेट कम रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर उस फैसले को लाइफ के दिखाया गया है कि मैंने उस सड़क को चुना जिस पर से कम लोग गए थे और ग्रेसी थी, यानी कि जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी और जिस पर जिसके लिए लोग कम प्रयत्न कर रहे थे, उस रास्ते को मैंने चुना। पॉइंट ये कह रहा है, दो एज फॉर दैट द पासिंग दियर, क्या कह रहे हैं, यद्यपि, दो मीन्स होते हैं यद्यपि, यद्यपि एज जैसे ही, फॉर दैट द पासिंग देयर जी, फॉर दैट कहते हैं कि जैसे ही पासिंग देयर, वो वहाँ से गुजरता है, ठीक है। फॉर दैट इसके बाद जैसे ही, फॉर दैट यानी कि इसके बाद जैसे ही, द पासिंग देयर वहाँ से वो गुजरता है, पॉइंट वहाँ से गुजरता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो पाता है वो क्या पाता है कि हैड वॉर्न, इन्होंने तो इस पर से, तो क्या मतलब, वॉर्न का मतलब क्या है, ये वाला ही मतलब है, गुजरे हैं देम उनके ऊपर से लोग, या आवागमन हुआ है उनके ऊपर से, रियली वास्तव में अबाउट द सेम लगभग बराबर ही। तो क्या होता है, फिर से देखिए इन दो लाइनों को, यद्यपि एज फॉर दैट द पैसे पासिंग दियर, एज फॉर दैट कि जैसे कि, यद्यपि जैसे कि वे लोग जो वहाँ से गुजरे हैं, वे लोग जो वहाँ से गुजरे हैं, हैड वोन उन्होंने आवागमन किया है देम उन दोनों ही सड़कों का, रियली वास्तव में अबाउट द सेम बिल्कुल उतना ही जितना एक का क्या, यानी कि बराबर बराबर आवागमन हुआ है, इस पर पे से भी इतने गए और इस पर से भी इतने गए, इस सड़क पे से भी इतने गए हैं और जो दूसरी सड़क बनी हुई है उस पर से भी उतने ही गए हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि अगर हम देखें पोइट को बिना मतलब वहम हुआ है, यदि जो उनके लिए जो लोग इन सड़कों पर से गुजरे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनका जो आवागमन हुआ है वो बिल्कुल वास्तव में बराबर बराबर ही हुआ है। यानी कि दोनों सड़कों पर से जो लोगों का आवागमन हुआ है वो बिल्कुल बराबर हुआ है, लोग उस पर से बराबर बराबर गुजरे हैं पोइट को वहम में। फिर से समझ लीजिए कि पाँचों लाइनों को, जैसे कि पोइट को दूसरी सड़क ज़्यादा अच्छी लगी तो उस पर वो गया, जैसे हमें कोई रास्ता ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हम उस पर से जाएंगे, कोई हमें ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा हम उसे चुनेंगे, और हमें ये लगता है कि बल्कि क्या लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा है, या तो हम ये सुनेंगे कि जो दूसरा रास्ता है हम उसको चुन लेते हैं, क्या सोच कर कि ये भी ऐसा ही है ये भी ऐसा ही है, या फिर हम क्या सोच लेते हैं कि बल्कि ज़्यादा अच्छा है दूसरे वाला, जिसको मैं लेना चाहता हूँ, जिसमें आराम है वो ज़्यादा अच्छा है, जिसको मैं अपने आराम के अनुसार देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस पर एक तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दूसरा कम लोग इस पर से गए हैं, कम लोगों ने इस रास्ते को चुना है, और ऐसे ही क्या कह रहे हैं कि वो रास्ता क्या है, ग्रासी है और उस पर से कम आवागमन हुआ है। ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं, हिडन मीनिंग क्या है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कम लोगों ने इस फील्ड को चुना है, और जो वास्तविक मीनिंग दिखाना चाह रहे हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं कि रास्ते पर घास ज़्यादा है और कम आवागमन हुआ है, इसलिए इस रास्ते से जाना ठीक होगा। लेकिन फिर क्या कर होता है, यद्यपि क्या है पोइट के मन में वहम है, क्योंकि क्या है जो लोग वहाँ से गुजरे उन्होंने तो बराबर आवागमन किया है, लगभग लगभग वास्तव में लगभग जो है बराबर ही आवागमन आवागमन किया है दोनों ही सड़कों पर से बराबर आवागमन उन लोगों ने किया है जो वहाँ से गुजरे हैं। आगे देखिए, थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ और दोनों ही सड़कें जो है दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली समान रूप से ले ढके हुए थी इन द लीव्स पत्तियों से, नो स्टेप कोई भी जो कदम हैड ट्रोडन ब्लैक, वो रखा नहीं गया था और उसने कुचल कर ट्रोडन यानी कि कुचल कर ब्लैक नहीं काला नहीं किया था, किसको, पत्तियों को। क्या कह रहे हैं पोइट कि अगर मैं देखूँ उस सुबह की बात, जिस दिन मैं उस जंगल में जा रहा था उस सुबह क्या था, ये वाली भी सड़क और ये वाली भी सड़क, दोनों ही सड़क क्या थी, इन पे जो पत्तियाँ फैली हुई थी, जो पत्तियाँ इन पर पड़ी हुई थी पतझड़ की, वे बिल्कुल मुझे फ्रेश लग रही थी, बिल्कुल बराबर बराबर पत्तियों ने कवर किया हुआ था सड़कों को, और ऐसा लग रहा था जैसे इन पर से कोई अभी गुजरा ही नहीं है, क्योंकि जब कोई गुजरता तो पत्तियाँ उनके पैरों के नीचे आकर कुचल कर काली हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हिडन मीनिंग क्या है इसके पीछे, क्या कहना चाह रहा है पोइट, इस तरह से कहना चाह रहा है कि उस दौरान जब मैं फैसला ले रहा था अपनी लाइफ के बारे में, जब मैं कोई एक फील्ड चुन रहा था, तो उस दौरान मुझे क्या लगा कि दोनों ही जो रास्ते हैं जो मैं चुनना चाह रहा हूँ या जोन से मैं बच रहा हूँ, दोनों में सेम अपॉर्चुनिटी है। अब पोइट को ये लगा कि दोनों में ही सेम, अभी तक तो क्या था कि भाई इस पर से जो है जाना ठीक होगा क्योंकि ये रास्ते इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कम लोग इसमें जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि दोनों ही क्या थे, बराबर थे, और दोनों पे क्या था, पत्तियाँ ढकी हुई थी, यानी कि दोनों का भविष्य क्या था वो ढका हुआ था, कुछ पता नहीं था, ज्ञात नहीं था पोइट को। और आगे क्या कह रहे हैं कि क्योंकि पत्तियाँ उनके ऊपर पैर रखकर काली भी नहीं पड़ी थी, इसलिए मुझे वो रास्ता फ्रेश लग रहा था। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एक तो अज्ञात है वो रास्ते, अज्ञात है वो फील्ड मेरे लिए, मुझे पता नहीं है इनका परिणाम क्या होना है। दूसरा कोई कदम नहीं रखा गया काली नहीं अर्थात, यानी कि कोई ऐसा है भी नहीं मेरी नॉलेज में या मेरे आसपास या मेरे परिवार में कि जो मुझे इनके परिणाम को बता दे, जो इन पे से गुजरा हो और उसने इनका अनुभव किया हो, तो मुझे मेरे पास ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके रिजल्ट को बता दे। पहला तो ये कि रास्ते क्या है, पत्तियों से ढके हुए, अर्थात मेरे जो चुनाव है उनका परिणाम क्या है वो अज्ञात है, और दूसरा क्या बता रहे हैं कि अगर मैं पहले से ही उसको पता कर लूँ तो उसका बस एक ही मेरे पास तरीका था कि कोई मेरा जानकार उस रास्ते पे से गया हो या उसने उस फील्ड को चुना हो, कुछ किया हो उसमें, लेकिन मेरा कोई जानकार भी ऐसा नहीं है कि उसके सामने ये फील्ड आए हो, वे इन फील्ड से होकर गुजरे हो, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी नहीं है। फिर क्या कहता है, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अंदर डे, फिर उसके दिमाग में आता है, वो सोचता है, कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि आई कैप्ट, मैं चलूँगा द फर्स्ट रोड, द फर्स्ट पहली सड़क पर, फॉर
मुस्कुर अंदर डेप किसी और दिन। पॉइंट क्या कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मान लिया ये रास्ता गलत भी हुआ, अगर मैं गलत रास्ते पर भी जा रहा हूँ, रास्ता सही भी नहीं हुआ, मान लिया मुझे इस तरफ जाना था और मैं इसके अपोजिट चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे घबराने की बात नहीं है, इधर जाते हुए मैं क्या करूँगा, वापस किसी दिन इस रास्ते पर से चला जाऊँगा, ठीक है, कि मैं सही रास्ते को चुन लूँगा। ले और यहाँ पर सही रास्ते और गलत रास्ते से मतलब क्या है कि अगर मान लिया ये फील्ड मेरे काम का ना निकला, मैं इंजीनियर ना बन पाया, मैं डॉक्टर ना बन पाया, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं दोबारा से डॉक्टर के लिए तैयारी कर दूँगा। अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाता हूँ या मैं डॉक्टर नहीं बन पाता हूँ तो मैं इंजीनियर के लिए तैयारी कर दूँगा, ऐसा मैं सोचने लगता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा या मैं इंजीनियर बन जाऊँगा अगर ये नहीं हुआ तो, क्या होता है, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट फिर भी, ठीक है, येट ये जानते हुए भी, येट नोविंग ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये दिमाग में ले रहा हूँ कि इस रास्ते पे से अगर ये रास्ता गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इस वाले रास्ते पे से बाद में चला जाऊँगा, ये जानते हुए भी हाउ कि कैसे वे रास्ते लीड्स जुड़ जाते हैं ऑन टू वे रास्ते में, कि रास्ते रास्तों से जुड़ जाते हैं, ये बात जानते हुए भी कि किस तरह से रास्तों में रास्ते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सोचने की कि कोई बात नहीं, ये सड़क आज ले रहा हूँ गलत होगी, कोई नहीं कल इससे चल दूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि सड़क का तो एक जाल होता है, अगर मेरा रास्ता मैं गलत रास्ते पर चला गया, मैं इधर चला गया तो मेरे सामने तो बहुत सारे रास्ते और भी आएंगे, क्या पता मैं इस रास्ते पर इधर चला जाऊँ और ये जाके जो है फिर इधर मुड़ जाए, फिर ये जाके इधर मुड़ जाए, तो मैं तो घूम रहा हो जाऊँगा, मुझे वो रास्ता कैसे मिलेगा, वो रास्ता नहीं मिलेगा। अर्थात अगर एक बार मैंने मैथ को छोड़ दिया या मैंने किसी सब्जेक्ट को ऐसे को छोड़ दिया जो मेरे किसी प्रोफेशन में काम आने वाला है, तो मैं उस प्रोफेशन को कैसे चुन पाऊँगा, उसके लिए तो मुझे फिर से दोबारा से सब कुछ जो है दोबारा से करना पड़ेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए एक बार जो लिया हुआ फैसला है वो पूरे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, ये जानते हुए कि कभी भी गया हुआ समय वापस नहीं आता है और हम एक बार जो खो देते हैं वो हमेशा के लिए खो जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ ये जानते हुए भी कि किस तरह से रास्ते एक दूसरे से मिल जाते हैं, मैं अपने दिमाग में ये बात सोचे बैठा हूँ कि फिर किसी दिन मैं पहली सड़क पर चले जाऊँगा। जब मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि रास्ते तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो मुझे संदेह हुआ, फिर क्या संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या आई शुड एवर कम बैक, मैं वापस आ भी पाऊँगा, एवर मीन्स कभी, मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा, क्यों पाऊँगा के लिए यहाँ पर सेल क्यों नहीं आया, शुड क्यों आया, क्योंकि ये बात होकर जा चुकी, पॉइंट उस रास्ते से गुजर चुका। तो वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं आ भी पाऊँगा, क्या पास्ट के फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो पॉइंट को अब संदेह हो गया, ये जैसे उसने पहले सोचा कोई बात नहीं कि पहली सड़क पर फिर चल दूंगा, फिर एकदम से याद हुआ, अरे ये जानते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि किस तरह से रास्ते एक दूसरे से मिल जाते हैं, रास्ते से रास्ते जुड़ते चले जाते हैं, फिर मुझे संदेह हो गया जब दिमाग में ये बात आ गई कि क्या कभी मैं इस रास्ते पर दोबारा आ पाऊँगा, अगर ये सही हुआ तो क्या पता मैं इसे दोबारा ढूंढ पाऊँगा, क्या इस रास्ते पर मैं दोबारा जा पाऊँगा, ये पॉइंट के मन में संदेह आ गया कि क्या मैं दोबारा से अपने फ्यूचर को बना पाऊँगा अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो। देखिए आगे, I shall be telling, क्या कह रहे हैं पोएट कि I shall be telling, मैं ये बता रहा हूँगा, shall be यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, दिस इसे विद साय एक आह के साथ, या खुशी भी हो सकती भी आह हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, अगर सही रास्ता चुना गया होगा पोएट के द्वारा, सही फील्ड चुना गया होगा तो खुशी की आह, अगर गलत रास्ता चुन लिया गया होगा तो दुख भरी आ है कि ये बात मैं भविष्य में क्या करूँगा, खुशी या दुख के साथ बता रहा हूँगा, क्योंकि अभी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी जर्नी पर चला हुआ हूँ, तो ये बात मैं क्या करूँगा अपने भविष्य में जाकर बताऊँगा, समवेयर कहीं पर, जब मैं कहीं पहुँच जाऊँगा, जहाँ पर भी उस टाइम होगा वहीं पर, कहीं पर भी जहाँ पर भी होऊंगा वहाँ पर ये बात मैं भविष्य में बता रहा हूँगा खुशी या दुख के साथ। एजिज एंड एजिज यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद, हैंस फ्यूचर में, भविष्य में,
ठीक है, कि ये जो बात है जो आज मैं तय कर रहा हूँ कि कौन सी सड़क पे जाऊँ, कौन सी मैंने कैसी थी, तो ये जो बात है अगर मैं सही सड़क पर गया तो मैं खुशी के साथ बता रहा हूँगा, अगर मैं गलत सड़क पर गया तो मैं दुख के साथ बता रहा हूँगा। भविष्य में कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं होऊँगा काफ़ी लंबे समय बाद, तो मैं ये बात बता रहा हूँगा। क्या बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ट, कि दो सड़कें थी जो बटी हुई थी, मतलब एक सड़क दो में बट गई थी, इन अ वुड एक जंगल में, एंड आई और मैंने टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने क्या चुनी एक ऐसी सड़क को जो क्या थी लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम यात्रा की गई थी बाय यात्रियों के द्वारा, या जिस पर कम आवागमन किया गया था, एंड दैट, और यही कारण हैज मेड, कि इसने बना दिया है, या एंड दैट हैड मेड का मीनिंग यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसने कर दिया है, और इसने कर दिया है द डिफरेंस इज परिवर्तन, ऑल डिफरेंस सारे परिवर्तन, और यही सड़क, यही मेरा फैसला ऐसा था कि इस सड़क पर चलने का जो मेरा फैसला था, इस फैसले ने ही जो बनाए हैं या कर दिए हैं सारे परिवर्तन कर दिए। मेड का मतलब यहाँ पर करने से है, ठीक है, बनाने से नहीं होकर करने से यहाँ पर मतलब है कि उस सड़क के चुनाव ने ही मेरे जीवन में सारे परिवर्तन कर दिए हैं, कि आज जो भी मैं अच्छा हुआ है मेरे साथ या बुरा हुआ है एक सड़क के चुनाव से ही हुआ है, कि अगर मैं काश सही सड़क चुन लेता तो आज मैं कुछ और होता, अगर मैं उस टाइम पर मैंने ये गलत सड़क चुन मैं अगर गलत सड़क चुन लेता तो आज मेरे साथ कितना बुरा हो जाता, ये बातें पॉइंट जो है कह रहा होगा, क्योंकि अभी उसकी जर्नी जारी है, कंटिन्यू है, अभी उसने जर्नी को ख़त्म नहीं किया है, अभी वो अचीविंग की तरफ है, कुछ प्राप्त करने की तरफ है, कुछ कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपके सामने बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें आपको सही गलत का पता नहीं होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। आपको रास्ते ज़रूरी नहीं जो आसान लगे वो ही सही हो, कठिनाई से भरे हुए रास्ते अक्सर सही होते हैं, जो सहता है वो कुछ पाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में आपको फैसले लेने हैं। सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको फैसले लेने हैं। यही पॉइंट इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने उनका मैसेज आप तक कन्वे करने की कोशिश की है। होप करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे की पढ़ाई आपकी अगली वीडियो में मैं भेजती रहूँगी। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस।